नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कहानी अपराध की में। मेरा नाम है आर्यन और आपके लिए लेकर आया हूँ टाइगर मेमन की पूरी कहानी। बैंक का एक चपरासी जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर दहला दी थी पूरी मुंबई, जानिए कौन था वह शख्स। मुंबई में हुए दंगे के दौरान टाइगर मेमन की दुकानों में आग लगा दी गई थी। इसी घटना का बदला लेने के लिए उसने मुंबई बम धमाकों की साजिश रची थी। साल 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों को कौन भूल सकता है। इन बम धमाकों के कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जो आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, उन्हीं में एक नाम टाइगर मेमन का भी है। सीबीआई की चार्जशीट में टाइगर भी आरोपी रहा, तो वहीं टाइगर के भाई व बम धमाकों में दोषी याकूब मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई थी। मुंबई के अली रोड इलाके में 1960 में जन्मे टाइगर मेमन का असली नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नादिम मेमन था। उसके परिवार में माँ बाप के अलावा 5 छोटे भाई थे। परिवार की माली हालत ख़राब थी और पिता अब्दुल रज्जाक वेल्डिंग का काम करते थे। घर का बोझ कम करने के चलते कक्षा 10 तक पढ़े इब्राहिम मुश्ताक ने एक बैंक में चपरासी का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ काम को लेकर उसका बैंक के मैनेजर से झगड़ा हो गया और उनकी नौकरी छूट गई। चपरासी की नौकरी छूटी तो कुछ दिन इब्राहिम मुश्ताक काम की तलाश में इधर उधर भटका। कुछ दिन बाद उसे ड्राइवर की नौकरी मिल गई। इब्राहिम मुश्ताक अब मशहूर तस्कर मोहम्मद मुस्तफ़ा दौसा की गाड़ी चलाने लगा। इसी बीच दौसा ने उसकी मुलाकात दुबई के सोने के तस्कर याकूब भट्टी से कराई और वह गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। साल भर की तौफीक के साथ दोस्ती की और तस्करी के धंधे का बड़ा नाम बन गया। मजबूत प्लान और कई बार पुलिस से बचकर काम करने की तेजी के कारण उसे टाइगर नाम दिया गया। टाइगर मेमन ने तस्करी के धंधे में कमाए पैसों से माहिम की सम्राट कॉलोनी में कुछ इलेक्ट्रिक की दुकानों को शुरू किया था, लेकिन साल 1992 में मुंबई में हुए दंगे के दौरान उसकी दुकानों में आग लगा दी गई। बस यही वह घटना थी जिसने टाइगर को मुंबई में बम धमाके करने के लिए प्रेरित किया। इसी घटना के कुछ महीनों बाद 12 मार्च 1993 में सिलसिलेवार ढंग से बम धमाकों को अंजाम दिया गया था। इन बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन ही था। 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश में दाऊद इब्राहिम ने विस्फोटक सामग्री व हथियारों की फंडिंग की थी, जिसे देश के बाहर से लाया गया था। यह सबसे भयानक और पहला बम धमाका था जिसमें RDX का इस्तेमाल किया गया था। टाइगर मेमन ने इस पूरे हमले की योजना को अपने भाई याकूब की मदद से अंजाम दिया था। हालांकि इस घटना में कई अन्य लोग भी शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि धमाके में उपयोग की गई गाड़ियों को टाइगर ने अपने इस संरक्षण में विस्फोटकों से लादा था और वह फिर हर जगह प्लांट करवाया था। धमाकों में इस्तेमाल की गई गाड़ियों में एक गाड़ी उसकी भाभी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद ही मेमन परिवार तक धमाके के तार जुड़े थे। मुंबई बम धमाकों को अंजाम देने के बाद टाइगर देश छोड़कर फरार हो गया था। कई सालों बाद जांच एजेंसियों को पता चला था कि वह अब पाकिस्तान के कराची में रहता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हो पाई। टाइगर का नाम अभी भी भारत की जांच एजेंसियों व इंटरपोल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है, लेकिन वह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये थी कहानी टाइगर मेमन की। ऐसे ही अपराध की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।